So continuing the chapter, chemical control and coordination. Chemical control and coordination. First gland already हमने जो किया है that is hypothalamus. Second हमने किया pituitary and the third in the brain is the pineal gland. इसकी pituitary की आपको secretions लिखवाई हैं area wise. थ्री कहाँ लिखवाई है नहीं दो तो एरिया तीन है मतलब उसके पार्ट्स तीन है तीनों पार्ट्स में अलग अलग है जो इंटरमीडिएट है उसकी एक है जो डिस्टेलिस है उसकी पांच छह है मेरे ख्याल से है ना और नर्वोसा वाले की दो है पार्ट्स नर्वोसा की दो है ऑक्सीटोसिन वैसोप्रेसिन पार्ट्स इंटरमीडिएट की एक है एमएसएच और बाकी जो है वो सारी डिस्टेलिस की है और वो बहुत सारी है ठीक है नियरली 5-6 आई गेस एग्जैक्ट नंबर नहीं मुझे पता हाँ ठीक है ओके देन इज द थर्ड ग्लैंड दैट इज द पीनियल ग्लैंड अगेन इट इज प्रेजेंट ऑन द सॉरी विद इन द फोर ब्रेन ठीक है सो व्हाट इज द लोकेशन फॉर दिस इट इज द फोर ब्रेन मीन्स दैट इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन थ्री पार्ट होते हैं ब्रेन के आपको पता है ना फोर ब्रेन मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन सो ये फोर ब्रेन का पार्ट है पीनियल ग्लैंड ठीक है दिस पीनियल ग्लैंड हैज अ सिक्रीशन और द हार्मोन व्हिच इज सिक्रीटेड आउट फ्रॉम इट दैट इज अ सिक्रीशन कॉल्ड एज मेलाटोनिन दिस सिक्रीट्स अ हार्मोन कॉल्ड मेलाटोनिन दिस सिक्रीट्स अ हार्मोन कॉल्ड मेलाटोनिन व्हाट इज द रोल ऑफ दिस मेलाटोनिन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस मेलाटोनिन That is, it provides all the diurnal changes. Diurnal changes, यहाँ हम कह सकते हैं rhythmic changes. ठीक है diurnal या rhythmic changes. Rhythmic changes मतलब on and off conditions. ठीक है जैसे अगर कुछ एक on condition है तो दूसरा off condition है Sleep and wake cycle है जैसे आपका ठीक है आप लोगों का क्या होता है usually एक हमारे अंदर एक time machine fit है हमारे अंदर यूजली क्या होता है अगर हम लोग एक हैबिट बना लेते हैं और धक्के से अगर हम 1 week और 2 weeks अप्रोक्सीमेट अगर हम अपने लिए धक्के से उठते हैं लाइक हमें उठना ही है 5 o'clock उठना ही है एंड आफ्टर सम टाइम लाइक 1 or 2 weeks के बाद हमारे अंदर अपने आप ही वो मशीन सेट हो जाती है एंड वी गेट अप एट 5 o'clock ठीक है तो वो क्या है दैट इज अ स्लीप एंड वेक साइकिल तो ऐसे वाले जो चेंजेस है अप एंड डाउन चेंजेस है या स्लीप एंड वेक साइकिल है तो ये सारे इवन जो कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन है वो भी ऑपोजिट चेंजेस है रिदमिक है रिदमिक मीन्स अगर कॉन्ट्रैक्शन हुआ है तो उसके साथ रिलैक्सेशन भी होना है अगर स्लीप हुआ है तो वेक भी होना है ठीक है तो वो चेंजेस जो हैं, दे आर प्रोवाइडेड बाय द मेलाटोनिन गेटिंग राइट इवन द मेंस्ट्रुअल चेंजेस बट दैट इज नॉट अ फ्रीक्वेंट टाइप की वो डेली की या रोज की नहीं है ठीक है बट इट इज आफ्टर 28 days बट इट इज अगेन हैपनिंग इन द बॉडी सो वी कैन टेक इट एज ऑल्सो द डायर्नल चेंज राइट सो दीज आर द चेंजेस विच आर गिवन बाय द सिक्रीशन मेलाटोनिन फ्रॉम द ग्लैंड पीनियल That is present in the forebrain, right? Okay. Now the fourth gland is that is the बस इतना ही है इसके बारे में आपका that is the thyroid gland. Fourth is a gland called as thyroid gland. Thyroid gland is not present in the forebrain. What is the location for the thyroid gland? Location क्या है? It is not approximately neck also. It is trachea के हम throat लेके चलते हैं that is trachea के दोनों sides पे This is bilobed structure actually. दो lobes होते हैं इसके What is the structure for this? That is bilobed structure it has. It is having the two lobes, one on each side of trachea. One on each side of trachea. What is trachea? Windpipe. Windpipe के दोनों आसपास मतलब left और right sides पे दो lobes हैं इसके thyroid gland के और ये दोनों lobes एक gland एक तरफ मतलब ट्रैकिया के एक तरफ और दूसरा लोब दूसरी तरफ ठीक है और देयर इज वन यू कैन से थिन फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर आल्सो व्हिच कनेक्ट्स द टू लोब्स जिनका कनेक्शन बनाया हुआ है दैट थिन फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर कनेक्टिंग द टू लोब्स ऑफ दिस थायराइड ग्लैंड दैट इज कॉल्ड एज इस्थमस व्हाट इज दैट थिन फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर व्हिच कनेक्ट्स द टू लोब्स कॉल्ड एज इस्थमस So these are the two lobes of the thyroid gland. The thyroid gland further internally, what is the structure of this? This also has
the two types of the tissues which are present within the thyroid gland. One are the follicular cells or the follicles, आप कह सकते हो, जो कि बने हैं follicular cells के. And then another type of the tissue or the composition of this thyroid gland is that of the stroma or the stromal cells. ठीक है, दो तरह की इसकी composition है, follicles plus stroma. Follicular cells follicles बनाती हैं और stromal cells जो हैं वो stroma बनाते हैं. ठीक है, तो दो इसके अंदर composition cells हैं. समझ आया, दो तरह के cells हैं thyroid gland पूरा का पूरा. It is made up of the two types of the further parts, follicles and stroma. The follicles are comprised of the follicular cells and the stroma is comprised of the stromal cells. Done. All the secretions made by the thyroid gland are given by the follicular cells. जो secretions इसने बनानी है, यानी जो hormone secrete करता है, that is done by the follicular cells. ठीक है, so follicular cells की जो secretions हैं, what are the secretions provided by this gland, thyroid gland, in total of, this is providing the T3 and T4 secretions. What are the T3? हांजी, T3 ऊपर लिख देती हूँ मैं. The secretions, have you noted down this much? ये सारा लिख लिया. ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर. अगर आपको स्ट्रक्चर समझाने में आता है तो आपने ये सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं जो हमने पहले लिखे थे. दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द थायराइड ग्लैंड. जैसे आपको स्ट्रक्चर ऑफ पिट्यूटरी कराया था, है ना, पिट्यूटरी का स्ट्रक्चर याद है क्या था? दो लोब्स हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर, नर्वस सिस्टम था, पर आगे उसकी जो कंडक्शन थी थ्रू पोर्टल सर्कुलेशन थी, और पोस्टीरियर में न्यूरल कंट्रोल सीधा था, और कुछ, हाँ, प्रोटेक्टेड था विद अ बोनी कवरिंग. व्हाट वाज दैट? सेला टर्सिका. कॉपी खोल के मत बोला करो, खुद ही याद किया करो. ठीक है, अगर आप आज का पढ़ाया आज ही घर जाके पढ़ लेते हो ना, तो वो आपके दिमाग में रह जाता है. ठीक है, एंड इमीडिएट अगर कभी ऐसे कोई क्वेश्चनिंग आ जाए तो आप लोग को आंसर्स उसके पता होने चाहिए. राइट, क्लियर? सो अगर आपको स्ट्रक्चर जैसे हमने पिट्यूटरी का करवाया, वैसे ही स्ट्रक्चर इसका भी आएगा, और वैसे ही स्ट्रक्चर आपको आएगा आगे एड्रीनल ग्लैंड का. ठीक है, तो ये तीन ग्लैंड्स के स्ट्रक्चर्स समझाए हुए हैं. हाइपोथैलेमस का स्ट्रक्चर नहीं था, पीनियल का नहीं था, ऐसे ही पैराथायराइड वगैरह का स्ट्रक्चर नहीं आते, वो सिर्फ हल्का सा छोटा सा इन्फॉर्मेशन है. तो मतलब पेपर में, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास तीन स्ट्रक्चर्स हैं, और तीनों में से आपको पैरेलल सेट्स में कोई भी दो आ सकते हैं. ठीक है, तो जब भी आपने भी प्रिपरेशन करनी होती है बेटा, तो तब भी आप लोगों ने आंसर्स जिस तरह से करने हैं, फ्रेम करने हैं, जो आप लोगों ने सोचना है कि हमने पढ़ना कैसे, उसके पढ़ने के लिए आप भी यही तैयारी किया करो कि व्हेन देयर इज इन अ चैप्टर देयर इज अ काइंड ऑफ अ थिंग व्हिच इज सेल्डम टाइम्स रिपीटेड. ठीक है, एक ही चीज बहुत बार रिपीट किया, तो मतलब उनमें से एक क्वेश्चन पक्का है. समझ गए? अब यहाँ पे हर ग्लैंड की लोकेशन, सिक्रीशन और फंक्शन है, तो ऑब्वियस है हर एक ग्लैंड का तो आपको आ नहीं सकता. किसी भी ग्लैंड का सिक्रीशन, लोकेशन, फंक्शन डायरेक्ट क्वेश्चन है, वो आ सकता है, या आपसे इनडायरेक्टली पूछा जा सकता है, फंक्शन गिवन है तो कौन सा ग्लैंड इन्वॉल्व है ना, या आपसे और इनडायरेक्ट अगर बनाना हो तो कहानी बना के दे देंगे कि एक पर्सन है उसको ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो उसके लिए कौन सा ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा सिक्रीशन रिस्पॉन्सिबल है, क्या उसका वे ऑफ क्योरिंग हो सकता है, ऐसा कुछ. ठीक है, जैसे ब्लड शुगर लेवल्स पे यूजुअली डायबिटीज एंड ऑल कंडीशंस के साथ कंसीडर करवाया जा सकता है. ठीक है, सो ये चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए कि हमारे क्वेश्चंस किस तरह से फ्रेम होंगे. आपका असाइनमेंट क्वेश्चन इस पूरे चैप्टर के लिए है, एक ही टेबल लिख लो, फ्रेम वन टेबल फॉर द होल चैप्टर, सिंगल टेबल. स्ट्रक्चर्स उसमें आपने नहीं एक्सप्लेन करने किसी के भी, आपने सिर्फ तीन चीजें लिखनी है, ग्लैंड का नाम लिखने के बाद तीन चीजें लिखनी है, सिक्रीशन, लोकेशन एंड फंक्शन. एक और लिखो उसका टाइप ऑफ हार्मोन, अगर आपको मिले तो इस पे से भी क्वेश्चंस आते हैं, टाइप ऑफ हार्मोन. ठीक है, सो फाइव कॉलम्स यू विल बी मेकिंग, वन कॉलम फॉर द नेम ऑफ द ग्लैंड, सेकंड कॉलम फॉर द सिक्रीशन लोकेशन, देन थर्ड फॉर सिक्रीशन, फोर्थ फॉर फंक्शन एंड फिफ्थ फॉर द टाइप ऑफ हार्मोन. ठीक है, टाइप्स आपको एंड में कराएंगे, वहां पे कलेक्टिवली मेरे ख्याल से सारे हार्मोन आपके कवर अप हो जाएंगे. जो जो हो पाते हैं उनको तो जरूर लिख रहे हैं, जो नहीं होंगे उनको हाइफन लगा दो. ठीक है, चलो कमिंग बैक टू दिस थायराइड ग्लैंड, तो स्ट्रक्चर इज क्लियर आई गेस, स्ट्रक्चर नो प्रॉब्लम्स. ओके, कमिंग टू द सिक्रीशन ऑफ द थायराइड ग्लैंड्स, द सिक्रीशंस ऑफ द थायराइड ग्लैंड दे आर इन द टू फॉर्म्स, दैट इज T3 एंड T4 सिक्रीशंस. व्हाट इज दिस T3 एंड T4? T3 स्टैंड्स फॉर ट्राई आयोडो थायरोनाइन. T3 से ट्राई आयोडो. ठीक है, T4 that is
tetraiodo. Done. Thyro 9. So as in the name, it is included iodo. Iodo signifies what? Iodine. Right. So this is iodine's secretion is must. Iodine's presence is must for the secretion of this gland. Thyroid gland ki jo secretion hai, yani thyroxine. T4 is called as a thyroxine. Okay. This is thyroxine. आपने थायरॉक्सिन नाम सुना है पहले जनरल है ना लोअर क्लासेस में जब भी आपने पढ़ा था थायराइड ग्लैंड का सेक्रेशन हम थायरॉक्सिन पढ़ते थे सो दैट इज T4 राइट सो T3 एंड T4 जो हमारे हार्मोन्स हैं ये बेसिकली सेक्रेशंस हैं थायराइड ग्लैंड की अब थायराइड ग्लैंड सेक्रेशंस कब देगा जब हमारी बॉडी के अंदर आयोडीन का कंटेंट नॉर्मल रहेगा ठीक है अगर आप अपने नेट पे भी कभी सर्च करो कि व्हाट आर द वेरियस न्यूट्रिएंट्स एंड व्हाट अमाउंट इज रिक्वायर्ड फॉर योर एज ग्रुप मतलब आपके अपने एज ग्रुप आपका एज ग्रुप क्या आएगा वहां पे लोकेट कर लेना 15 to 20 ही आता है या क्या आता है ना सो उस एज ग्रुप के लिए व्हाट द वेरियस रिक्वायरमेंट्स उनमें सारी रिक्वायरमेंट्स मेंशन होंगी इंक्लूडिंग आयोडीन एज वेल कैल्शियम आयोडीन फॉस्फोरस मैग्नीशियम जिंक मतलब इतनी चीजें हमें चाहिए डेली ठीक है अगर हमारी डाइट इम्बेलेंस रहती है तो प्रॉब्लम हमारी बॉडी में आती है अब हम लोग तो खाना खाते हैं हम लोग को क्या है नॉर्मल हमारा डाइट क्या होता है हम लोग को 3 times मील जो है वो खानी है एंड एवरी मील आर इंक्लूड्स व्हाट दैट इज अ वेजिटेरियन फूड दैट इज समथिंग समटाइम्स पल्सेस और समटाइम्स जो भी आपकी सब्जी वेजिटेबल्स है एंड अलोंग विद दैट चपातीस है ना हमें पता है कि हमारी न्यूट्रिएंट्स इसमें कवर अप हो रही बट वो हमें नहीं पता कि उसमें कवर अप हो रही है या नहीं हो रही हाउ डू वी नो दैट हमें कैसा पता चलेगा दैट इज विद द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ योर बॉडी इफ योर बॉडी इज गेटिंग ऑल द न्यूट्रिएंट्स एप्रोप्रिएटली बाय द एज ग्रुप्स मतलब Since you are born, till the time you are matured or the person is dead, ठीक है उस times के लिए अगर आप अपना graphical experience लेके चलो साथ साथ में अगर हर age group में आपकी सारी requirements पूरी हुई है तो आपका immunity 100% strong होना था है ना बट हमारा है नहीं किसी का भी हम लोग इतने ज्यादा immunity है strong वाले है ही नहीं है person क्यों नहीं है क्योंकि हमें कभी ना कभी cold तो हुआ ही रहता है ना that is a very common type of the thing that is cold तो हुआ ही रहता है बाकी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें कभी ना कभी कोई ना कोई फेस करनी पड़ती है समटाइम्स हार्मोनल इंबैलेंसेस आर कमिंग इन योर बॉडी एंड यू आर फेसिंग दोस है ना सो कंडीशंस आर हैपनिंग इन द बॉडी बिकॉज ऑफ विच वी आर नॉट कंफर्टेबली गेटिंग यू कैन से मतलब डिजीजेस से दूर रह पा रहे हो नहीं रह पाते ठीक है दैट इज द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट अब आप लोग सारा दिन में नमक आप 3 बार खाते हो कम से कम खाना खाते हो नमक खाते हो फिर भी किसी को अगर गोइटर हो गया दैट इज डेफिशिएंसी से तो वो मतलब बंदा नमक नहीं खाता था क्या वो बंदा रोटी नहीं खाता था क्या वो बंदे के अंदर नमक नहीं जाता था तो कैसे पता चलेगा दैट इज बाय द प्रोडक्ट्स दैट यू आर ईटिंग ठीक है हमेशा हमेशा वैसे ऐसे बोला जाता है कि हम लोग को इतना ज्यादा अगर हम लोग अपने हेल्थ कॉन्शियस रहें तो हम लोग प्रोडक्ट्स भी जो लेते हैं ना उनके पीछे भी न्यूट्रिशनल वैल्यू चार्ट लगा होता है एंड वी नेवर लुक ऑन दोस दैट इज आवर मेंटालिटी है ना वी जस्ट गो एंड परचेज इट कि हमें पता है जी टाटा सॉल्ट इज गुड वन हमने टाटा ही लेना है ना आजकल वो निर्मा सॉल्ट भी एक चला हुआ है एंड उसकी भी एड बहुत आ रही है विद द प्रॉपर आयोडीन एंड ऑल ठीक है दे डू क्लेरिफाई दैट वी आर हैविंग द प्रॉपर कंटेंट दैट विच इज रिक्वायर्ड बाय योर बॉडी बट व्हाई आर वी नॉट लुकिंग ऑन दोज न्यूट्रिशनल चार्ट्स वी आर नॉट लुकिंग आर यू एनी ऑफ यू लुकिंग ऑन टू दैट और योर फैमिली मेंबर्स योर मदर और फादर नो हार्डली कोई मेरे ख्याल से कोई डॉक्टर्स होते होंगे जो शायद ये चीजों को देख के यूज करते होंगे क्योंकि उनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है है ना वो डेली पेशेंट्स के क्रॉस आते हैं और लेकिन फिर भी वो बीमार कम पड़ते हैं है ना तो दैट इज हो सकता है वो लोग जरूर देखते होंगे न्यूट्रिशनल वैल्यू चार्ट्स को और कभी भी नवा प्रोडक्ट यूज करने से पहले दे यूज टू कीप एन आई ऑन दैट ठीक है ये चीजें पर जरूरी है अब आयोडीन का कंटेंट कम अगर सॉल्ट में ही था तो थायरॉक्सिन का कंटेंट बॉडी के अंदर कम हो जाए वो हमें कहां से पता चलना है उस न्यूट्रिशनल वैल्यू चार्ट से ठीक है सो दैट इज अगेन एन एडवाइस फॉर यू ऑल इवन आई डोंट लुक फॉर बट आप लोग के लिए भी एडवाइस है अगर आपको कभी टाइम लगे जब भी प्रोडक्ट्स देखो तो उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू चार्ट जरूर देख लिया करो एंड गो विद योर एज आल्सो योर एज फैक्टर आल्सो रिक्वायर्स सम ऑफ द अमाउंट ऑफ द थिंग्स व्हिच इज डेली रिक्वायर्ड है ना आज आप लोग यंगस्टर्स हो आप लोग की एज में बहुत अच्छी अच्छी ग्रोथ चल रही है हर चीज अच्छी अच्छी है आपकी बॉडी के अंदर बट देयर इज समथिंग लैगिंग बिहाइंड अगर हो सकता है आप कैल्शियम प्रोडक्ट्स कैल्शियम कुछ कंटेंट्स डेली के नहीं खा रहे हो आपकी बॉडी के अंदर ये थायरॉक्सिन नहीं काम करना है आपकी कैल्शियम को रेगुलेट करने में मतलब अगर कम है तो ज्यादा कराना है ज्यादा है तो कम कराना है इससे रेगुलेशन करनी है थायरॉक्सिन ठीक है लेकिन अगर आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम फॉर लॉन्ग टाइम कम जा रही है
अब मिल्क नहीं लेते हो, काफी बच्चों को बहुत ज्यादा घिन आती है मिल्क पीने से, धक्के से पिला दो तो पिला दो, नहीं तो नहीं पीना, है ना। जो बच्चे मिल्क नहीं लेते, आज तुम्हारी एज अच्छी है, तुम लोग अच्छे से ग्रो कर रहे हो, अच्छी तुम्हारी हेल्थ है, लेकिन बाय द एज यू एंटर इनटू द मैच्योरिटी फेज, योर लेग्स विल स्टार्ट पेनिंग, योर आर्म्स विल नॉट हैव दैट स्ट्रेंथ कि आप लोग कोई काम कर सको, है ना, आपको चलना फिरना मुश्किल लगेगा, तभी ये जाके सिम्टम्स आएंगे। वो पता है ना आपको, दैट इज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। सो दिस इज वन ऑफ द माइक्रोन्यूट्रिएंट, बट अगर इसका भी डेफिशिएंसी एक्सेस बहुत वास्ट टाइम तक होता रहे, बहुत लंबे समय तक होता रहे, तो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। कैल्शियम इज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट फॉर अस, वो चाहिए हमारी बॉडी में, हमारी डाइट में, हमारी बोन्स को स्ट्रेंथनिंग ही वो देता है, ठीक है। सो दिस इज थायरॉक्सिन। तो पहला रोल मैंने आपको बता दिया थायरॉक्सिन की, एक तो फंक्शनिंग है जो कि आयोडीन से रेगुलेट होनी है, दूसरा चीज इसका रोल क्या है। पहला रोल मैंने आपको बता दिया क्या है, थायरॉक्सिन बेसिकली हेल्प्स इन द रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम इन अवर बॉडी, राइट। बट दैट थायरॉक्सिन इट इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व, थायरॉक्सिन जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता फॉर दिस मेंटेनिंग और रेगुलेटिंग ऑफ द कैल्शियम आयंस और इन द कैल्शियम लेवल इन अवर बॉडी। This is done by a secretion further, which is called as TCT. Okay, this TCT is a secretion, calcitonin इसको बोलते हैं, thyrocalcitonin. So this is which is also a proteinaceous hormone which is secreted. This is another proteinaceous hormone secreted by the same gland, but this helps in the regulation of the calcium level in your body. So it helps to regulate the calcium level in your body. Regulation of calcium level. Regulation का मतलब क्या होता है? बढ़ते को कम करना, कम को ज्यादा करना, ठीक है। बढ़ाना इसका काम नहीं है कल्ला, बढ़ाना काम है पैराथायरॉइड का, पीसीटी हॉर्मोन का, ठीक है, पैराथायरॉइड हॉर्मोन का, पीटीएच, सॉरी, ठीक है जी, डन। सो दिस इज अनदर सिक्रीशन दैट मेन कॉमन नॉर्मल सिक्रीशन हमारी T3 T4 चलती है, थायरॉक्सिन जो है। अच्छा, एक और कंसेप्ट आता है हमारे पास, हमने एक पढ़ा था जीएच जो है, अगर वो ज्यादा हो जाता है तो जायंटिज्म हो जाता है, अगर कम हो जाता है तो उसके लिए ड्वार्फिज्म हो जाता है। ऐसा ही सेम हमारे अंदर है, अगर ये थायरॉक्सिन जो है दैट रिड्यूसेस इट्स सेक्रेशन, यानी कि अगर ये थायरॉक्सिन का डेफिशियंट अमाउंट आता है, सो वी कॉल दैट प्रॉब्लम एज गॉइटर, है ना, इट लीड्स टू अ गॉइटर। हाइपोथायरॉयडिज्म, बेसिकली वी कंसिडर दिस एज हाइपोथायरॉयडिज्म leading to the swelling of the glands, that is the neck part, and hence resulting in goiter. Okay, that is a hypothyroidism condition. If this hypothyroidism condition happens to be in the females, those who are of the you can say pregnant age, or you can say that they are already pregnant, okay, those who are conceived, for those females if hypothyroidism happens, उनके अंदर तो केस ही अलग हो जाता है, दैट इज इट इज नॉट लीडिंग टू द गॉइटर, रादर इट लीड्स टू द क्रेटिनिज्म, दैट इज द डिस्टंटेड और यू कैन से स्टंटेड ग्रोथ ऑफ द फीटस। फीटस की जो ग्रोथ है वो बिल्कुल स्टंटेड ग्रोथ हो जाती है। स्टंटेड का मतलब क्या होता है? हाँ जी, स्टंटेड ग्रोथ ऑफ द फीटस, अगर ये कंसीव्ड मदर के अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम आ जाए तो, है ना। स्टंटेड ग्रोथ मीन्स बॉडी वाइज ग्रोथ तो डेवलपमेंट तो उसकी कम हो ही रही है, प्लस मेंटल लेवल भी उसका कम हो जाता है, मेंटली रिटार्डेड होगा वो पर्सन, ठीक है। फिटस दैट इज मेंटली रिटार्डेड, और इफ नॉट मेंटली रिटार्डेड प्रॉपरली देन द फिटस विल बी हैविंग द लो आईक्यू लेवल, मतलब वो बच्चा जो है वो इंटेलिजेंट बन ही नहीं पाएगा कभी, ठीक है, उसको पढ़ाई आप करवा ही नहीं सकोगे कभी भी, इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है इफ द कंसीव्ड लेडी दैट इज हैविंग द प्रॉब्लम ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म, अगर उनके अंदर आयोडीन की कमी पड़ जाए तो, ठीक है, डन। इवन इन द लेडीज ऑफ द ओल्डर एजेस अगर ये ऐसी हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशंस आ जाती हैं, वहां पे क्या होता है, दैट इज हमारा जो प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी है वो वीकेंड हो जाता है, ठीक है। बेसिकली दिस थायरॉक्सिन इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन अनदर रोल, इसका दिस ऑल्सो इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ऑफ BMR। व्हाट इज BMR? बेसल मेटाबॉलिक रेट। This helps in the regulation of BMR, basal metabolic rate. Means what? जो हमारा metabolic rate है, मतलब हमारी body के अंदर जो metabolism हो रहा है हमारे proteins का, carbohydrates का, बनना टूटना, metabolism involves both ना, हमने सबसे पहला lecture, सबसे पहला chapter में किया था, metabolism includes catabolic as well as anabolic reactions, है ना, दो तरह की reactions होती है उसके अंदर, दो तरह के processes होते हैं।
सो मेटाबॉलिज्म यहाँ पे मेंटेनेंस आ रही है विद द हेल्प ऑफ द ग्लैंड्स, दैट इज द थायराइड ग्लैंड विद द हेल्प ऑफ द सेक्रेशन व्हिच इज थायरोक्सिन. टीसीडी का रोल सिर्फ रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम में है, बाकी सारे काम जो कर रहा है वो थायरोक्सिन कर रहा है. ठीक है, सो थायरोक्सिन का बेसिक यहाँ पे रोल आता है, दैट इज इन रेगुलेटिंग ऑफ द बीएमआर. अगर तो डेफिशिएंट अमाउंट हो जाए तो हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं, लेकिन अगर ये एक्सेस हो जाए तो इसको क्या बोलेंगे? हाँ जी, देन द प्रॉब्लम इज क्रिएटेड एज और लिस्टेड एज हाइपर थायरॉयडिज्म. हाइपर थायरॉयडिज्म पता है, अगेन जिसमें मेटाबॉलिक रेट जो है बहुत बढ़ जाएगा, मतलब आपका कैल्शियम सॉरी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, इन चीजों का टूटना भी बढ़ जाएगा और इनका बनना भी बढ़ जाएगा, जो दोनों तरीके से हमारे लिए खराब है. ऐसे में हमें एक प्रॉब्लम होता है, दैट इज वी कॉल इट एज अ थायराइड, जनरल में हम इसको बोलते हैं, है ना, जिसमें एक्सेस वेट गेन आ जाता है, एक्सेस वेट लॉस आ जाता है. समटाइम्स लाइक अ वीक अहेड द पर्सन वॉज टोटली फैट एंड एक वीक के बाद देखोगे आप वो बिल्कुल थिन हुआ पड़ा है, तो हम मतलब पहचान नहीं पाते हैं ऐसे बंदे को. मतलब अगर बहुत एक्सट्रीम हाइट्स पे अगर ये थायराइड प्रॉब्लम जो है वो बढ़ जाए तो ये कंडीशंस बहुत ज्यादा आपकी बॉडी में चेंजेस लेके आती. एंड जस्ट इमेजिन, एक मोटा पतला होना तो एक चीज है, उसमें तो हम कहते हैं कि चलो ठीक है अपने आप ही पतले हो रहे हो, कुछ करना नहीं पड़ रहा, बट दैट इज नॉट एज इजी एज वी कैन सी और वी कैन फील, है ना. एक पर्सन इतना फैट से इतना ज्यादा थिन हो जाना मीन्स उसकी बॉडी के अंदर कितनी बड़ी बड़ी चेंजेस चल रही, और वो चेंजेस वो ज्यादा देर तक अपने अंदर स्टेबली ले भी नहीं सकता. ठीक है, जस्ट इमेजिन, एक पर्सन मोटा होता है तो सालों लगा के मोटा होता है और पतला होता है तो सालों लगा के पतला होता है, तो वही चेंजेस अगर विद इन वीक्स आ रही हैं या मंथ्स आ रही हैं तो हाउ डेंजरस दोस चेंजेस विल बी, है ना. सो दैट इज अ प्रॉब्लम विच इज कंसर्न विद द थायराइड. अगेन दैट इज अ थायराइड ग्लैंड गेटिंग. सो ये मेटाबॉलिज्म में लिख लीजिए, सारे मेटाबॉलिज्म जो है वो इसी ने चलाने हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, इन सब का ब्रेकिंग डाउन एंड बिल्डिंग अप सारा कौन करता है? थायरोक्सिन. ओके, अलोंग विद दिस देयर इज आल्सो अ प्रोटीन हार्मोन व्हिच इज सेक्रेटेड आउट एंड दैट इज कॉल्ड एज थायरोकैल्सेटोनिन व्हिच हेल्प्स टू रेगुलेट द कैल्शियम आयन. डन, ठीक है जी. ओके, सो स्टंटेड ग्रोथ एंड ऑल द अदर सिम्टम्स जो है वो आपने साथ में मेंशन करने फॉर हाइपोथायरॉयडिज्म. ठीक है जी, डन, क्लियर, गेटिंग, राइट. नाउ द नेक्स्ट इज द फिफ्थ ग्लैंड, दैट इज द पैराथायराइड ग्लैंड. अभी हमने पढ़ा थायराइड ग्लैंड के कितने लोब्स हैं? टू लोब्स हैं और हर लोब के अंदर दो पैराथायराइड्स प्रेजेंट हैं. सो टोटल कितने हो गए ये पैराथायराइड्स? चार, राइट. फोर ऑफ द पैराथायराइड हॉर्मोन्स सॉरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट, दैट इज टू ऑन ईच साइड ऑफ योर ट्रकिया यू कैन से, और टू इन ईच ऑफ द लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड. So total of four parathyroid glands are present, two in each lobe of thyroid gland. ठीक है, thyroid gland के हर lobe के अंदर दो, so total चार. These are a form of embedded structures. मतलब ये embedded type of structures जो हैं ये parathyroid gland के, जैसे just imagine कि this is the gland. That is the thyroid gland, ठीक है, इधर उसका second lobe है and this is embedded within it, ठीक है, ये इस तरह से embedded है बीच में. So these are the parathyroid glands, ठीक है, on one side one lobe, two of these are present, embedded within the thyroid gland, ठीक है, उसके stromal tissue के अंदर ये embedded रहते हैं. But इनका अपना role है, इनका अपना role क्या है? These are to secrete the parathyroid hormone. What is that parathyroid hormone? That is PDH. The secretion location clear हो गया, ठीक है, location कहाँ पे इसका? That is embedded within the thyroid gland, two in each lobe of the thyroid gland. Secretion क्या है इसका? That is the parathyroid hormone. Parathyroid hormone, that is a PDH hormone. This again helps to regulate the various of the can say components in our body. जैसे BMR help करता था thyroid gland, जैसे ये parathyroid है ये भी उसमें हेल्प करता है, लेकिन बेसिकली दिस हेल्प्स इन द इंक्रीज ऑफ द कैल्शियम आयंस. कैल्शियम का जो लेवल है उसको बढ़ाने में ये हेल्प करता है. सो इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द कैल्शियम लेवल इन योर बॉडी. बॉडी के अंदर जो कैल्शियम लेवल है उसको बढ़ाने में हेल्प करता है. सो हम इसी वजह से इसको एक और नाम देते हैं, वी कॉल इट एज हाइपर कैल्सीमिक हॉर्मोन.
दिस इज कॉल्ड एज हाइपर, आर नहीं डाला है अपने, हाइपर कैल्सीमिक हॉर्मोन, बिकॉज द हॉर्मोन इज हेल्पिंग इन हाइपर मीन्स ओवर एक्सेस, कैल्सीमिंग मीन्स कैल्शियम, सो द हॉर्मोन इज हेल्पिंग इन इंक्रीजिंग द कैल्शियम लेवल, दैट इज वाई दिस इज ऑल्सो रिगार्डेड एज हाइपर कैल्सीमिक हॉर्मोन. डन. अब ये बढ़ाता कैसे, इंक्रीज तो करता है कैल्शियम आयन का लेवल, बढ़ाता कैसे, क्योंकि ये हेल्प करता है, किस तरह से इंक्रीज करेगा, फर्स्टली दिस हेल्प्स इन रीअब्सॉर्प्शन, रीअब्सॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम. रीअब्सॉर्प्शन वर्ड कहीं सुना है पहले, किडनी फंक्शन में, वेरी नाइस. सो रीअब्सॉर्प्शन मीन्स दैट इज फ्रॉम द रीनल टिब्यूल्स, रीनल टिब्यूल्स में से कैल्शियम आयन्स को वापस रीअब्सॉर्ब करवाता है ब्लड वेसल्स के अंदर, ताकि वो लॉस्ट ना हो, अपने आप इंक्रीज हो गया. ठीक है. दूसरा है डाइजेस्टेड फूड में से, जो फूड आपने खाया, आप लोग को यूजली जब आप बच्चे होते थे, जब छोटे होते थे, अभी भी यूजली ये एक डाइट प्लान में ऐड किया जाता है कैल्शियम का इतना इंटेक रहना चाहिए. इफ द चाइल्ड लाइक जो मैंने बोला कि कई लोगों को घिन आती है दूध पीने से या कुछ, तो अगर बच्चे जो है वो दूध नहीं पीते हैं तो उनके कंडीशन में क्या होता है, एक्स्ट्रा एडिशनल कैल्शियम जो है वो डाला जाता है, उनको दिया जाता है ना, एडिशनल वो जो टेबलेट्स होती हैं, क्या बोलते थे, ऑस्टियो कैल्शियम, हाँ कुछ कैल्शियम सैंडूज एंड ऑल, है ना, तो वो वाली टेबलेट जो है वो ऐड करी जाती हैं कि बच्चों को वो पसंद आए, वो खाएं इसको टॉफी समझ के या जो भी, बट अकॉर्डिंगली साथ में उनको कैल्शियम जो है उनकी बॉडी के अंदर जाता रहे, है ना, क्योंकि ये कैल्शियम कहाँ पे रिक्वायर्ड है, हमारी बोन्स की स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने, राइट. अगर आपकी डाइट में कैल्शियम बहुत ज्यादा है, मतलब कई लोगों को वैसे बड़ी स्वाद लगती है और वो खा लेते हैं, है ना, अपने अंदर ऑलरेडी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पूरी हुई पड़ी होती है पर हम लोग खाते हैं. कई लोग होते हैं जो डेफिशिएंसी अगर शो करें ना, उनके सिम्टम्स क्या होते हैं, वो नेल्स बाइट करते हैं, है ना, नेल्स खाने की आदत बहुत होती है, उनके अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है, या उनको चॉक्स या ऐसा कुछ चीजें खा के बहुत मजा आता है, तो वो लोग होते हैं जिनके अंदर कैल्शियम का कमी होती है. ठीक है, जस्ट वन मिनट मोर. सो ये कैल्शियम की अगर तो देखो कमी है, तो उसको रीअब्सॉर्प्शन से क्लियर किया जा सकता है, मतलब वापस रीनल ट्यूब्यूल से ले लो, फूड से ले लो, या एडिशनल सोर्सेज एज फूड बना के उनमें डाल दो और वहां से ये लेती रहेगी अपने आप हमारी बॉडी, वो तो रीअब्सॉर्प्शन कराएगी. लेकिन अगर कैल्शियम की एक्सेस हो गई, अगर हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी बहुत ज्यादा कैल्शियम बढ़ रही है, मतलब बहुत ओवर हो जाएगी, फिर तो प्रॉब्लम्स आएंगी. लेकिन अगर एक लेवल अमाउंट बढ़ रहा है, तो उसके लिए इसमें डी नेचुरलाइजेशन होगी अपनी, या डी मिनरलाइजेशन होती है फॉर द बोन्स, बोन्स अपने आप ही कैल्शियम को रिलीज कर देती है. ठीक है, वी कॉल इट एज डी मिनरलाइजेशन, डी मिनरलाइजेशन, यहाँ डिस्टॉर्शन हो गया, डिसोल्यूशन हो गया बोन्स का, डीमिनरलाइजेशन होगा बोन्स का, और लिख दो यहाँ पे डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स, एंड इफ दीज बोन्स दे हेल्प टू और दे गो फॉर दिस डिसोल्यूशन, देन अगेन बाय देयर डीजनरेटिंग द कैल्शियम विल अगेन बी एडेड टू योर बॉडी. ठीक है, पर वो तब जब ऑलरेडी एक्सेस में, अगर कम है तो वो रीअब्सॉर्प्शन हेल्प करेगा, ज्यादा बढ़ाएगा नहीं, वो तो ऑलरेडी एक्सेस है ना, वो तो पहले से ही ज्यादा बड़ा पड़ा है. ठीक है, इतना ओवर स्ट्रेंथ चाहिए नहीं उसको, एक रेगुलेशन. अब यही तो हमारा रोल आता है ना, दिस इज पीटीएच अलोंग विद टीसीटी, ये दोनों चीजें इकट्ठी मिलके, टीसीटी किसका था, थायराइड ग्लैंड का. ठीक है, सो टीसीटी और पीटीएच ये दोनों इकट्ठे मिलके कैल्शियम का बैलेंस बहुत अच्छा बनाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, बट प्रोवाइडेड कि आपकी डाइट के अंदर कैल्शियम अच्छा होना चाहिए. ठीक है, इफ यू आर हैविंग अ गुड अमाउंट ऑफ कैल्शियम यू कैन हैव अ टेस्ट ऑन दिस, आप लोग का लेबोरेटरी टेस्ट हो सकता है, अगर रिक्वायरमेंट हो तो डॉक्टर्स अपने आप बोल देते हैं, वो रिक्वायरमेंट पता चल जाता है, अगर कमी हो तो वो तो पता चल जाती, लेग्स में स्ट्रेंथ नहीं है, बच्चा अच्छे से खड़े नहीं हो पाता, वीक फील करता है, या खड़े हैं तो कांपते हैं, टांगे कांप रही हैं, ऐसी चीजों में पता चल जाता है कि उसकी बॉडी बॉडी के अंदर बोन्स जो है वो स्ट्रेंथफुल नहीं. ठीक है, लेकिन अगर बढ़ जाए उसके लिए तो फिर आपको पता चलना, डॉक्टर से ही पता चलना. ठीक है, हाँ जी, क्या